वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का साउथ मोनस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ साउथ की 10 न्यू हिंदी डब मूवीज़ के बारे में। तो दोस्तों, इन 10 बड़ी मूवी में से 8 मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है एंड 2 बड़ी मूवी की कंफर्म अपडेट बताने वाला हूँ। एंड दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करते हैं तो इस वीडियो के एंड में एक बहुत बड़ी मूवी की लिंक भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ एक्स्ट्रा लिंक के तौर पर, लेकिन वीडियो के एंड में। सो दोस्तों, इस वीडियो के काफी कमाल के अमेजिंग मूवीज आप सभी को देखने को मिलेगी, तो इसलिए मैं आप सभी को हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। एंड अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है वीडियो को बनाने के लिए। तो आपको वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, सो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर एक पर मूवी आती है द ग्रेट फादर, जो कि 2017 में रिलीज एक एक्शन क्राइम थ्रिलर ड्रामा मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में ममोती आर्या स्नेहा, इस मूवी के लिस्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्में देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। ये मूवी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मूवी रहेगी। बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर की रेटिंग मानी जाती है। एंड इसके साथ साथ इस फिल्म को ऑडियंस एंड क्रिटिक्स के तरफ से काफ़ी अमेजिंग रिस्पॉन्ड मिली थी। तो बात करें इस फिल्म की हिंदी डबिंग की, तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई है मूवीज स्टेशन प्राइवेट लिमिटेड ने, और इस मूवी के अंदर वर्जन का टाइटल का नाम रखा है जिगरा डेसिंग वाला। तो ये वीडियो पर अभी ऑफिशियली अवेलेबल है, तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। नंबर दो पर मूवी आती है थनी मई, जो कि 2019 में रिलीज एक ड्रामा थ्रिलर सस्पेंस मिस्ट्री मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में सोनिया अग्रवाल, मोहन रहमान एंड गंजा, इस मूवी के लिस्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को एक बार के लिए देख ही सकते हैं। बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 4.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई, जो कि एक एवरेज की रेटिंग मानी जाती है। एंड ये मूवी ऑडियंस एंड क्रिटिक के तरफ से मिला जिला कर रिस्पॉन्ड मिली थी। तो बात करें इस फिल्म की हिंदी डबिंग की, तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई है मिस्ट्री मूवीज़ नेटवर्क ने, और इस मूवी के अंदर वर्जन का टाइटल का नाम रखा है द गर्ल पावर लाइफ ऑफ इंडिपेंडेंट वुमेन। तो ये मीडियो पर अभी ऑफिशियली अवेलेबल है, तो अगर आप इस फिल्म को वॉच करना चाहते हैं तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। नंबर तीन पर मूवी आती है 144, जो कि 2015 में रिलीज एक कॉमेडी ड्रामा एक्शन मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में अशोक सलवन एंड ओविया एंड मुकेश शिवा, इस मूवी के लिस्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को ड्रामा कॉमेडी स्पेशली कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हैं, इस फिल्म को डेफिनेटली देखिएगा। ये मूवी कॉमेडी के मामले में काफ़ी अमेजिंग मूवी है, तो आप इस फिल्म को कॉमेडी के लिए देख सकते हैं। बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई थी। एंड ये मूवी ऑडियंस एंड क्रिटिक्स के तरफ से मिला जुला कर रिस्पॉन्ड मिली थी। तो बात करें इस फिल्म की हिंदी डबिंग की, तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई है मिस्ट्री मूवीज़ नेटवर्क ने, और इसमें को सेम नाम से ही डब करवाया गया। ये यूट्यूब पर अभी ऑफिशियली अवेलेबल है, तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। नंबर चार पर मूवी आती है लची, जो कि 2017 में रिलीज एक रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी हॉरर मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में जयाद थी, तेजस्विनी, धनराज, इस मूवी के लिस्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को स्पेशली कॉमेडी हॉरर थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मूवी रहेगी, मूवी को डेफिनेटली देखिएगा। बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी बढ़िया रेटिंग मानी जाती है। ये मूवी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। बात करें इस फिल्म की हिंदी डबिंग की, तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की हिंदी डबिंग कम्प्लीट करवाई है आरडी मूवीज नेटवर्क ने, और इस मूवी के अंदर वर्जन का टाइटल का नाम रखा है आत्मा का खेल। तो ये मीडियो पर अभी ऑफिशियली अवेलेबल है, तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर।
ये आती है यान प्यार आनंद धन, जो कि 2020 में रिलीज एक रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री मूवी थी। स्मू के लीड रोल में संतोष अथुलिया, रबी, दीपक। स्मू के लिस्टोगास में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को मिस्ट्री थ्रिलर सस्पेंस फिल्म में देखना चाहते हैं, उस फिल्म को डेफिनेटली देखिएगा। ये मूवी मिस्ट्री थ्रिलर के मामले में वन ऑफ द बेस्ट मूवी है एंड ये मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई थी एंड ये मूवी ऑडियंस एंड क्रिटिक्स के तरफ से क्रिटिक्स के तरफ से एक अलग लेवल की रिस्पॉन्स मिली थी। तो बात करें इस फिल्म की इन द डबिंग की, तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की इन द डबिंग कंप्लीट करवाई है प्रिया मूवीज नेटवर्क ने और इस फिल्म की इन द वर्जन का टाइटल का नाम रखा है मुक्ता। तो ये यूट्यूब पर अभी ऑफिशियली अवेलेबल है। अगर आप इस फिल्म को वॉच करना चाहते हैं तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। भी आती है सू सू सूदी वेट मी कम, जो कि 2015 में रिलीज एक रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी एक्शन मूवी थी। स्मू के लीड रोल में है जयसूर्या, सुविधा नायर, स्वेथी। स्मू के दिशागास में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को एक ड्रामा रोमांटिक कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। ये मूवी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मूवी रहने वाली है। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो दोस्तों, इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि एक नेक्स्ट लेवल की रेटिंग मानी जाती है। इसके साथ साथ इस फिल्म को ऑडियंस एंड क्रिटिक्स के तरफ से काफी कमाल की रिस्पॉन्स मिली थी। तो बात करें इस फिल्म की हिंदी डबिंग की, तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई है वाइड एंगल मीडिया डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड ने और इसमें हिंदी वर्जन का टाइटल का नाम रखा है सुसु सुधीर के नाम से इसमें को डब करवाया गया। ये यूट्यूब पर अभी ऑफिशियली अवेलेबल है। अगर आप इस फिल्म को वॉच करना चाहते तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। वी आती है गिन्नी हिलेदा किथे, जो कि 2019 में रिलीज एक रोमांटिक ड्रामा थ्रिलर मूवी थी। स्मू के लीड रोल में माला थेस, गीता जली एंड देव। स्मू के लिस्टोगास में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को एक ड्रामा रोमांटिक थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करते तो आप इस फिल्म को डेफिनेटली देखिएगा। ये मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो दोस्तों, इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तरफ से 8.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई थी एंड इस फिल्म की हिंदी डबिंग को कंप्लीट करवाई है व्यूड मूवीज प्राइवेट लिमिटेड ने एंड और इस मूवी के हिंदी वर्जन का टाइटल का नाम रखा है सत्या रिटर्न्स। तो ये यूट्यूब पर अभी ऑफिशियली अवेलेबल है। तो अगर आप इस फिल्म को वॉच करना चाहते हैं तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। मूवी आती है युवरत्ना, जो कि 2021 में रिलीज एक एक्शन ड्रामा रोमांटिक थ्रिलर मूवी थी। स्मू के लिए रोल में पुनीत राजकुमार, सहसा, सोनू। स्मू के लिस्टोगास में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को एक्शन ड्रामा रोमांटिक फैमिली इंटरटेनर फिल्में देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। मूवी काफ़ी कमाल की है। बात करें इस फिल्म की एक्शन के मामले में, तो एक्शन के मामले में ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। तो मूवी को डेफिनेटली देखिएगा एक्शन के लिए। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो दोस्तों, इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई थी एंड ये मूवी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। अगर बात करें इस फिल्म की हिंदी डबिंग की, तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई है अमेजन मूवीज प्राइवेट लिमिटेड ने और इस मूवी को सेम नाम से ही डब करवाया गया था। तो ये मूवी पर अभी अनऑफिशियली अवेलेबल है। तो अगर आप इस फिल्म को वॉच करना चाहते तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। नंबर नौ पर मूवी आती है इनिता मानाची वादा वूरा, जो कि 2020 में रिलीज एक रोमांटिक ड्रामा एक्शन कॉमेडी फैमिली इंटरटेनर मूवी थी। इसमू के लीड रोल में कल्याण राम, महरीन कौर एंड पूजा। इसमू के लिस्टोगास में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो अगर बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो दोस्तों, इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि एक अच्छी रेटिंग मानी जाती है एंड इसके साथ साथ ये मूवी ऑडियंस एंड क्रिटिक्स की तरफ से मिला जुला कर रिस्पॉन्स मिली थी। तो बात करें इस फिल्म की हिंदी डबिंग की, तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की हिंदी डबिंग को कंप्लीट करवाई आदित्य मूवीज नेटवर्क ने और इस फिल्म की हिंदी वर्जन का टाइटल का नाम रखा गया है दमदार खिलाड़ी 2। तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की हिंदी डबिंग एंड सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है लेकिन इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट होना बाकी है। तो जैसे इस फिल्म की सेंसर बोर्ड की तरफ से क्लियर सर्टिफिकेट मिल जाएगी या इस मूवी से जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो इसकी अपडेट हमारे चैनल पर आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी।
नंबर 10 दोस्तों, नंबर 10 पर मूवी आती है बिगिल, जो कि 2019 में रिलीज एक स्पोर्ट ड्रामा कॉमेडी थ्रिलर मूवी थी। स्मू के लीड रोल में सुपरस्टार थालापति विजय, नयनतारा एंड अय्यर। स्मू के लिस्ट कास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 7 out of 10 की रेटिंग मिली हुई है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर की रेटिंग मानी जाती है। एंड क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी कमाल की रिस्पॉन्स मिली थी। तो बात करें इस फिल्म की हिंदी फिल्म राइट्स की, तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की हिंदी फिल्म राइट्स को सोल्ड आउट कर लिया गया है गोल्ड माइन टेलीफिल्म के द्वारा। तो जैसे इस फिल्म की कोई नई अपडेट निकल कर आएगी या स्मूथ स्त्री कोई छोटी या बड़ी अपडेट आएगी, तो इसकी अपडेट हमारे चैनल पर आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, तो इस वीडियो के एंड में एक मूवी प्रोवाइड कराने वाला एक्स्ट्रा लिंक के तौर पर। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी ज्योतिका की एक ब्लॉकबस्टर मूवी को देखना चाहते हैं, पुन मंगल वंदल मूवी को देखना चाहते हो, तो ये मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये मूवी अभी अमेजन प्राइम वीडियो पर इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। तो अगर आप इस फिल्म को वॉच करना चाहते हैं, तो आप अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर वॉच कर सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर इस फिल्म का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, डायरेक्ट आप इस फिल्म को वॉच कर